Hello everyone, my name is Priyanka Rani, Assistant Professor, EE Department at AIET. Today we will study about the construction and working principle of DC slide wire potentiometer. DC slide wire potentiometer, which is the topic taken from the unit potentiometer, third unit potentiometer. And subject is electronics measurement and instrumentation, 4EE304 code is there. So DC slide wire potentiometer kis kaam mein aata hai? DC slide wire potentiometer kya kaam mein aata hai? Unknown EMF find out karne ke liye. Iska jo basic, agar hum principle humse koi puche hai na, to basic principle hum kya batayenge, ki basic principle iska hota hai कि अनोन ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड सेल से कंपेयर करके अनोन ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया गया है. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं डीसी स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर का. डीसी स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बैटरी सोर्स कनेक्टेड है. ठीक है, इसके सीरीज में एक रियोस्टैट कनेक्टेड है. रियोस्टैट जो कि वेयरिंग रेसिस्टेंस होता है, इसको आप एडजस्ट करके वर्किंग करंट को लिमिट कर सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है 200 सेंटीमीटर का स्लाइड वायर. जो स्लाइड वायर है यहाँ पे, स्लाइड वायर की लेंथ है 200 सेंटीमीटर और हमने यहाँ पे जगह जगह पे इसको अंकित कर दिया है. 0 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अनोन ईएमएफ फाइंड आउट करना है. अनोन ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एक नोन ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल से क्या करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये तो अरेंजमेंट है, बैटरी है, रियोस्टैट है, रियोस्टैट वर्किंग करंट को लिमिट कर रहा है. ठीक है, एक स्लाइड वायर है 0 to 200 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओम. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओम है, यानी कि 100 सेंटीमीटर विल बी योर 100 ओम एंड 101.86 सेंटीमीटर विल बी योर 101.86 ओम. ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे हमने एक लगाया है सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच. ठीक है, यहाँ पे एस जो है वो स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी इज गैल्वेनोमीटर हियर, के इज कॉन्टैक्ट की जो कि ये इसको कनेक्ट कर देता है इस जॉकी से जो कि इस स्लाइड वायर पे मूवेबल है. जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इस वायर के कांटेक्ट में आ जाता है, अदरवाइज ये कांटेक्ट में नहीं रहता, डिसकनेक्टेड रहता है. ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर एक बार कनेक्टेड हो, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, एक बार स्टैंडर्ड सेल को कनेक्ट करेंगे कैलिब्रेशन के लिए और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को जो हम स्विच को ऑपरेट पोजीशन पे रखेंगे तो ये हमारा क्या कनेक्टेड हो जाएगा, अननोन ईएमएफ. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वर्किंग करंट को क्या करना है, रियोस्टैट के थ्रू 10 मिली एम्पियर तक लिमिट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 ओम. ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेल, यहाँ पे हमने कौन सा स्टैंडर्ड सेल यूज किया है, वेस्टर्न कैडमियम सेल, जिसका मान क्या होता है 1.0186 वोल्ट. ठीक है, वेस्टर्न कैडमियम सेल हमने लिया है जो कि नॉन ईएमएफ है, इसका मान कितना है 1.0186 वोल्ट. ठीक है, तो कैलिब्रेशन के लिए, जांचने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, स्टैंडर्ड स्विच को, इस स्विच को पहले हमने क्या किया है, इस पॉइंट पे रखा है, स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट किया है, तो ये हमारा पार्ट डिसकनेक्टेड है. ठीक है, अननोन ईएमएफ क्या है, कनेक्टेड नहीं है. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट हो गया, इसके पैरेलली स्टैंडर्ड सेल कनेक्टेड हो गया. अब हमें ये देखना है कि 1.0186 वोल्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाए. ठीक है, अब ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा, क्योंकि ये वेस्टर्न कैडमियम सेल की वैल्यू 1.0186 वोल्ट है. ठीक है, वेस्टर्न कैडमियम सेल की जो वैल्यू 1.0186 वोल्ट है, अब इस जॉकी को हम क्या करेंगे, 101.86 सेंटीमीटर पे हम इसको कनेक्ट करके छोड़ देंगे. ठीक है,
प्रेस करके रखेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया है, इस स्टैंडर्ड सेल इधर कनेक्टेड है और 101.86 सेंटीमीटर पे इसको कनेक्ट करके रख दिया है। और गैल्वेनोमीटर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन देखेंगे बाय वेयरिंग द रियोस्टेट वैल्यू। ठीक है, अब जब गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगी, रियोस्टेट को वैरी करके, रेसिस्टेंस वैरी करके, करंट को लिमिट करके, जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डेट विल बी योर नल कंडीशन, डेट विल बी योर बैलेंस कंडीशन। मतलब कि 1.0186 वोल्ट ये जो स्लाइड वेयर के अक्रॉस जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो इसके इक्वल हो जा रहा है, तभी गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन तब आएगा जब करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होगा। और करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर 101.86 सेंटीमीटर पे इसलिए रखा है ताकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाए, क्योंकि 101.86 सेंटीमीटर यानी कि 101.86 ओम। ठीक है, अब ये क्या है, 1.0186 वोल्ट, अगर हम इसमें 10 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मिली एम्पियर मीन्स इंटू 10^-2 एम्पियर। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.0186 वोल्ट। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई 10 मिली एम्पियर है, आर कितना है अपना 101.86 ओम, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 1.0186 वोल्ट इस पॉइंट में। तो अब जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है वो बन गया आपका डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब इस स्विच को हम क्या करेंगे, यहां से डिस्कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, ऑपरेट पोजीशन पर रखेंगे जहां पे हमारा अननोन ईएमएफ कनेक्टेड है। हमें इसका मान नहीं पता है कि अननोन ईएमएफ का मान कितना है। ठीक है, अब हम इस स्विच को जो हम अननोन ईएमएफ पे कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन कब आ रहा है। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन कब आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ऊपर जॉकी को इसको मूव करेंगे। ठीक है, जॉकी को मूव करेंगे, अब चूंकि ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया है। ठीक है, अगर ये 100 सेंटीमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर इंटू 10 मिली एम्पियर, इट मीन्स 1 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 100 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। अगर ये 50 सेंटीमीटर पे जाकर के गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.5 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बाय कंपैरिजन मेथड हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड सेल से पहले इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है ताकि हम डायरेक्टली मेजर कर सकें, और उसके बाद हमने जब अननोन ईएमएफ इसमें जब कनेक्ट किया है इस स्विच को ऑपरेट पोजीशन पर कनेक्ट करके, तो हम अभी इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। अब हमें इसको वापस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अननोन ईएमएफ इसमें अब ये ईएमएफ या फिर कोई और ईएमएफ भी कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, वन बाय वन आप चेक कर सकते हो, अब उस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वेरी करके देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजीएस्ट मेथड, और न्यूमेरिकल भी बहुत इस पे इजी आते हैं, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। थैंक यू एवरीवन।